श्रद्धा शुक्ला। ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर एक वनडे और एक टेस्ट सीरीज में मात देने वाली टीम इंडिया की हर तरफ चर्चा है। भारतीयों के साथ साथ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया की जमकर सराहना कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को करीब 5 साल पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया वो मैच याद आ गया जिसने उन्हें पछतावे से भर दिया था। जी हाँ, ईशांत साल 2013 में खेले गए उस मैच की बात कर रहे थे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में खेला जा रहा था। सीरीज 1-1 से बराबर पर थी और तीसरे वनडे मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। मैच में स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैच के आखिर में ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 44 रन चाहिए थे। मुकाबला धीरे धीरे भारत की मुट्ठी में आता दिखाई दे रहा था। कितने में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय टीम के पासे को पलट कर रख दिया। पारी के 48वें ओवर में ईशांत शर्मा गेंदबाजी करने आए और उनके सामने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर थे। सभी भारतीय टीम के फैंस की निगाहें ईशांत शर्मा पर टिकी थी, जो एक उम्मीद के साथ ईशांत को टकटकी लगाए देख रहे थे। तभी ईशांत अपने इस एक ओवर में ऑस्ट्रेलियन टीम को 30 रन लुटा बैठे और फॉकनर ने भारत को हरा दिया। फॉकनर ने उस मैच में 29 गेंदों पर 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और वो जीता हुआ मैच भारत हार गया था। अभी हाल ही में ईशांत ने 5 साल पहले अपने उस मैच से जुड़े कुछ खुलासे किए हैं कि कैसे इस मैच ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था, कैसे इस हार ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, कैसे इस मैच का प्रभाव उनके जीवन पर ऐसा था कि वो 15 दिन तक पछतावे के आंसुओं से रोए थे। हालांकि उस दौरान ईशांत शर्मा की पत्नी प्रतिमा सिंह और दोस्त राजीव महाजन ने उनको इस सदमे से उबारने में मदद की थी। ईशांत ने बताया कि कैसे वो अपने आप में कठोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों में नहीं है जो चीजों को कालीन के नीचे छिपा दें। मैंने भारत को मैच हरा दिया था, मैं एक दिन नहीं बल्कि कम से कम 15 दिन तक रोया था। उस मैच ने ईशांत को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया था। मेहनत तो वो तब भी करते थे लेकिन अब वो स्मार्ट खेलने में बिलीव करते हैं और भारतीय टीम का अहम हिस्सा है। अपने आत्मविश्वास के बल पर ईशांत आज ओवरसीज कंडीशंस में भारत के सफल गेंदबाजों में से एक है। साल 2018 में पहले साउथ अफ्रीका, फिर इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी ईशांत शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से हर मैच पर गहरी छाप छोड़ी।